नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। खबर गोंडा के LBSPG कॉलेज की है, जहां की उपाध्यक्ष वर्षा सिंह ने शिक्षा व रोजगार को अति शीघ्र बढ़ावा देने के लिए संकल्प लिया है। आइए इसमें जानते हैं कि यह किस प्रकार से शिक्षा व रोजगार को बढ़ाने और छात्र छात्राओं को कितना अग्रसर करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगी। यहाँ के जितने भी युवा हैं, उनको शिक्षा के साथ रोजगार दिया जा सके, और शिक्षा बिना रोजगार के बिल्कुल बेकार है। और उसके तहत मैं एक विजन पे काम कर रही हूँ। एक मिशन है कि इस शहर को IT for 2T के लिए तैयार किया जाए। इस कॉन्सेप्ट का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे बैठे हुए युवाओं को अपना शहर, अपना गांव ना छोड़ना पड़े, वो कुछ टेक्निकल शिक्षा पाके देश विदेश में कहीं भी काम कर सकते हैं। और इस विजन के तहत एम है कि हर वर्ष एटलीस्ट 300 युवाओं को इस जनपद से हम बाहर, वो चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो या फिर विदेश की कोई कंपनी हो, उनको नौकरी दिलवा सकें। जिसके लिए हमने कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, और उसके सिवा भी हम एक प्रयास में लगे हुए हैं, जहाँ पे हम जो गोंडा जनपद और इस मंडल के जितने भी युवा हैं जिनमें कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी है, हम उनको प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म अगले 100 दिनों में होपफुली लॉन्च हो जाएगा, जिसके माध्यम से इस जनपद में, इस मंडल में जितने भी लोग हैं जिनके पास कोई हुनर है, कोई प्रतिभा है, उनको हम प्रदेश में और देश के लेवल तक ले जा सकें। उद्देश्य है कि गोंडा में ऐसा नहीं है कि शिक्षा की कमी है या छात्रों की कमी है या युवाओं की कमी है या लोगों की कमी है। उद्देश्य ये है कि यहाँ पे सब कुछ है जिसको प्रमोट नहीं किया जा रहा सही तरीके से। तो अगले कुछ वर्षों में यहाँ का जो भी वर्ग है, वो चाहे युवा हो या फिर वृद्ध वर्ग हो, उनमें जो भी कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से वो खुद से आय कमा सकते हैं, उसको प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस विजन के तहत अगले 5 साल में जो भी करूँगी, उसका एम यही होगा कि मैक्सिमम रोजगार और गोंडा की इकोनॉमी को डेवलप कर सके। क्योंकि एक युवा जब डेवलप होता है तो उसके आसपास चाय वाले, उसके आसपास और भी रोजगार, वो चाहे चाय वाला हो, चाहे टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, सबको रोजगार मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर मिस अ वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियो।